नमस्कार साथियों कौशिक ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत है जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि आपको 2021 और 22 जो एस्टेट हमारे चैनल पर अवेलेबल नहीं थे उससे पहले के जो एस्टेट हैं 2020 2019 वो भी चैनल पर अवेलेबल हैं तो 2021 की वीडियो हम लेवल टू और लेवल थ्री की बना चुके हैं अभी दो दिन पहले ही हमने अपलोड की है और जल्दी ही हम एस्टेट का सिलेबस के लिए वीडियो बनाएंगे कंप्लीट सिलेबस डिटेल्ड में आपको कैसे तैयारी करें क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कहाँ से तैयारी करें कितनी तैयारी करें वो भी आपको स्पष्ट करेंगे और आज हम लेवल टू जो 2022 का पेपर है उसकी वीडियो लेकर आए हैं जिसका हम सोल्व करेंगे इसके अलावा जो जनरल पार्ट का है हमारा उसको भी हम जल्दी सोल्व जैसे हरियाणा जी के जो आया है पहले उस क्या क्रा, क्या क्राइटेरिया रहा है रीजनिंग है मैथ्स है और साइकोलॉजी है तो वो सब भी सोल्व करेंगे टोटली लेकिन अभी जो संस्कृत का सोल्व कर रहे हैं हम तो और दो का लेवल टू और लेवल थ्री हो चुका है वो हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पर आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसका मिल, लिंक मिल जाएगा आज हम लेवल टू 2022 को सोल्व करेंगे तो प्रश्न संख्या एक से नब्बे तक जनरल पार्ट होता है हमारा उसके बाद प्रश्न संख्या इक्यानवे से एक सौ पचास तक वो होंगे हमारे विषय संबंधित जिसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या इक्यानवे द्वेहो रात्रो समाहार इत्य कृत्य समस्त पदम भविष्यति इसके लिए स्वस्थ पद क्या होगा द्विरात्रम द्विरात्र है द्विरात्रि और द्विरात्रि साथियों हर एक वीडियो में हम आपसे पाँच सात क्वेश्चन पूछ रहे हैं लेकिन साथियों का जो आंसर देने का है वो बहुत कम है रिस्पॉन्स लेकिन प्रश्नों के आंसर आने चाहिए वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ही बेटर है तो यहाँ पर द्व्यो समाह है यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द्विरात्रम पहला ही आंसर हमारा यहाँ पर सही है द्विरात्र और साथ ही ये वीडियोज आपको कैसी लग रही हैं लाइक करें अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक करें संहिता कुत्र नित्या न धातु धातुपसर्गी कार्य वाक्य समासे एक पदे संहिता कुत्र नित्या न बहुत वाक्य यहाँ पर दूसरा सही है इति कस्य अपरम नाम या कात्यायनस्य से पतंजलि और पाणीनी नरुचि किसका दूसरा नाम था तो वो था कात्यायनस्य। तो यहाँ पर दूसरा हमारा सही है कात्यायन से नाम अभाव है पदम किम? मक्षिका नाम अभाव यहाँ पर समस्त पद क्या होगा निर्मक्षिकम निषमक्षिकम निर्गत मक्षिकमक्षिका तो यहाँ पर कौन सा होगा निर्मक्षकम और समास कौन सा है यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं कि यहाँ पर कौन सा समास है इसके अंदर मक्षिका नाम अभाव इसका समास पद क्या है निर्मक्षिकम चतुर्वर्ग फल प्राप्ति सुखादलियाम उक्ति यमस्ति ममटस विश्वनाथ से दंडिन और कुंतक चतुर्व फल प्राप्ति ही, सुखाद अल्प धियामी उक्ति किसकी उक्ति है ये तो ये है विश्वनाथ जी की विश्वनाथ से तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा जाएगा विश्वनाथ से विविध सेविध अवयवां वेदांग वर्णने समुचितम अस्ति छंद हस्तौ निरुक्तम चक्षु शिक्षा घ्राण कल्प स्रोत तो यहाँ पर एक ही सही है शिक्षा घ्राणम जैसे ये बाकी सब गलत छंद है पाद होता है लेकिन यहाँ पर हस्त दे रखा है तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सु जाएगा शिक्षा घराणम के प्रार्था विधाना पदार्था विधाना स्पर्शा विश्लेष पृष्ठा मावसाना के स्पर्श तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन जाएगा स्पर्श अस्मद शब्द से चतुर्थ रूपम नास्ती मे में नह चतुर्थी विभक्ति में कौन सा रूप नहीं है अस्मद विभक्ति के अंदर साथियों जैसे हमने पहले वीडियो में कहा था कि इनको हम कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं हम सीधा अहम आवाम उसको ही याद करते हैं लेकिन ज़्यादातर प्रश्न इससे संबंध पूछे जा रहे पूछे जा रहे हैं स्टेट में तो इनको अच्छे से देख लें याद कर लें कि कहाँ पर कौन सी विभक्ति में ये जो वैकल्पिक रूप बनते हैं तो यहाँ पर हमसे पूछा है चतुर्थी विभक्ति में नहीं है तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा माँ तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है पतत प्लस अंजलि पतंजलि अत्र कह संधि यहाँ पर कौन सी संधि है परस्यावरण संधि पर रूप संधि पररूप संधि और अनुनासिक संधि तो यहाँ पर कौन सी है पररूप संधि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है पररूप संधि कुंठित है अस्मिन पदे संधि विधायक सूत्रम वर्तते कुंठिता के अंदर कौन सा संधि विधायक सूत्र है अनुस्वार यही परस्यावर्ण है मौन स्वार है नाबदांत झली अनुस्वारस्य यही परसवर्ण है कुंठित के अंदर यह संधि सूत्र है कौन सा अनुस्वारस्य से यही परसवर्ण है पताका प्रकृति भेदात द्विधा भवती प्राकरणी प्राकरणीम प्रासंगिम प्राधानिकम कथानकम पताका और प्रकृति भेद से दो होते हैं क्या होता है दो तो प्रासंगिकम तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा प्रासंगिकम पताका और प्रकृति वेद से वेद भी पता लग जाएंगे यहाँ पर पताका और प्रकृति प्रासंगिक भू धातु लिंगी रूपम नास्ति भू धातु लिंग में कौन सा रूप नहीं है भवेम भवेयु भवेन भवे तो भवेत भवेताम भवेयु तो यहाँ पर भवेन कहीं पर रूप नहीं बनता है यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा भवेन शुश्रूष गुरुन कुरुप्रिय सखीविम पत्नी जने इत्याम पंक्तों किम छंद है इस पंक्ति में कौन सा छंद है मंदाक्रांता क्रांता शिखिरणी शार्दुल विक्रीडतम सृग दरा शुश्रूष गुरुन कुरुप्रिय सखीविम पत्नी जने शार्दुल विक्रीडतम तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन हमारा सही है शार्दुल विक्रीडतम सर्गस् प्रतिसर्गस्य वंशो वनवंत्राणी च वंशाचरित श्लोक अत्र कस लक्षण प्रतिपात पुराण से उपनिषद है ब्रह्मसूत्र से महाकाव्य सर्गस् प्रतिसर्गस् वंशो मनवंत्रण पुराण से तो यहाँ पर किसका है ये पुराण पहला ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा अहर्गण अस्य सदस्य सिद्धिर्भवती अतो रोलाद्लुते ढलोपे पूर्व से दृगोण रो रसाभ्याम रहाभ्या नोण सामन पद है अस् सदस्य सिद्धिर्भवती रो असूपी यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा रोअसूपी द्रुत विलंबित छंद प्रतिचरण कति वर्णी द्रुत विल विलंबित जो छंद है। उसके प्रत्येक चरण में कितने वर्ण होते हैं एकादश द्वादश चतुर्दश और षोडश तो उसमें होते हैं बारह है, यानी कि द्वादश तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन जाएगा द्वादश माता भूमि पुत्रो हम पृथ्व्या यम पंक्ति उद्रिता अथर्वेद से तो यहाँ पर हमें कहाँ से है अथर्वेद में यह ये तो है कि बारह ग्यारह बारह एक बारह इक्कीस और बारह इकतीस माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या तो ये कहाँ से है बारह एक से है ये तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमारा सूझेगा दूसरा सखी शब्द से ष्ठी एक वचने किम रूपम सियात सखे सख्यु सख्या सखाया तो उसमें होगा सख्यु तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हम सही यूज होगा हमारा सख्यू पुनर्रमते इत संधियुक्त पदम से आत पुनः रमते पुनारमते पुनोरमते पुनर्रमते तो यहाँ पर होगा पुनारमते दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ सही था पुनराम थे साथियों जो हम दो चार सेकंड का साइम टाइम रख रहे हैं प्रश्न का उत्तर बोलने में क्योंकि खाली प्रश्न का उत्तर बोलना हो करना इससे कि आप थोड़ा सा अपनी तैयारी को भी देख सको कि कितने प्रश्न आपको आ रहे हैं इसलिए ही इसको कई बार क्योंकि जैसे हमने साथ साथ ही कई बार पहले से हमने क्वेश्चन आंसर के आंसर मार्क करके वीडियो कवर की तो उस समय सभी साथियों हो यही होता था डाउट कि सर आप इसको दो चार सेकेंड का टाइम दें और पहले से टिक मार्क ना करें जिससे कि हमें थोड़ा सा समय लग सके अपने अपने आप को देखने के लिए तो इसलिए हम जो अभी हमने 2021 और 22 के एस्टेट कवर किए उनको हम या यूजीसी नेट के जो पेपर प्रसोल किए हमने उसमें हम तब से थोड़ा सा समय रखते हैं कि प्रश्न बोलने के बाद थोड़ा समय आपको कि आप उसको प्रश्न को अपनी स्मृति में ध्यान करें और उसका आंसर क्या उसको सोचें एक बार तो यहाँ पर लभ्यम इति पदे प्रकृति प्रत्यय है लभ केअप लभ लभ लेप और लभ नियत तो उसमें लभ्यम में कौन सा प्रत्यय होता है यत प्रत्यय तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा हो जाएगा यत्यय विसर्गस् उच्चारणस्थान स्थानम वर्तते ओष्ठ मूर्धा कंठ है और तालु एकु विसर्जनीयाना कंठ है ए क है और विसर्ग इन सब क्या होता है कंठ तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन जो है हो जाएगा कंठ है स प्रधाने इति सूत्रेण तृतीय भक्ति बहुत सह पदे एप्रधाने प्रधाने सहयुक्त इतिपदे। सहयुक्ते सहयुक्त अप्रधाने तो यहाँ पर क्या होता है प्रधाने दूसरा ऑप्शन हमारा सी जाएगा यहाँ पर ए प्रधाने भवंती भव्यु ही पक्षपाता उत्ति कस कव ये जो उक्ति हो किस कवि की है भवंती भवेशु ही पक्षपाता कालिदासस्य माघस्य भाष्य और भारव तो किसकी है ये भारवीजी की यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही है की पाषाण हृदय इतः समस्त पदस्य विग्रह भविष्य पाषाणवत हृदय य पाषाणवत हृदय याषाणव हृदय पाषाणव हृदय य तो यहाँ पर क्या तो था पाषाणवत हृदय ये स तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही था पाषाणवत हृदय स जगति शब्द रूपम वर्तते पंचमी एक वचन से सप्तमी एक वचन से चतुर्थी एक वचन से और षष्ठी द्विवचन से जैसे भौतिक रूप बनता है ऐसे जगति तो ये कहाँ बनते हैं सप्तमी एक वचन में तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सप्तमी एक वचन मुक्ति मुक्ति इति उपनिषद है कति उपनिषद है दस एक सौ एक एक सौ आठ एक हजार आठ तो मुक्ति को उपनिषद के अनुसार कितने उपनिषद हैं वो है 108 तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन वाला सही था 108 सौ आठ भवंति नम्रास्त्र है फ्लोदगमाम लंबिनो विनो अनुद्धता सत्पुरुष समृद्धि भी स्वभाव से स्लोकेश्मिन के साम स्वभाव वर्णित है यहाँ पर किसका स्वभाव बताया गया विद्यार्थी नम सत्पुरुषाण प्रोपकारिणाम और पुरुषाणाम तो किसका है ये का तो यहां पर तीसरा ऑप्शन जाएगा हमारा भवंती नम्राहम कि तो यहां पर किसका है ये का तो राज्य समीपम इति विग्रह समस्पद किम उपराजन उपराज उपराजा नाम उपराजम तो यहां पर क्या होगा राज्य समीपम उपराजम फोर्थ ऑप्शन हमारा सही देवर्षि कलानाशास्त्रीण रचना नास्ती देखो यही प्रश्न जो 2021 के उसमें हुआ है कलान शास्त्री संबंधित तो ये रचनाएं हमने बताया था आपको और जल्दी ही ऐसा एक कलेक्शन करके हम भी लेके आएंगे स्टेट से पहले इसमें कि सभी जो आधुनिक रचनाएँ हैं उनको कवर किया जा सके तो देवर्षि कलाना शास्त्री रचना नहीं है जीवन से पृष्ठचतुष्ठ हम कथानक संस्कृत नाट्यवल्लरी तो पुराने पेपर देखने में थोड़ा फायदा है कि जो 2021 का टी जी टी ही था शायद उसमें भी ये प्रश्न आया हुआ है तो कौन सी रचना इसमें नहीं है देखो तीन याद कर ले कथानक वल्ली विद्व जन संस्कृत नाट्यावलरी ये तीनों जो हैं कलाना शास्त्री जी की रचनाएं हैं जीवनश्या पृष्ठ चतुष्ट ये कलान शास्त्री जी की रचना नहीं है तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा पहला जीवनश्या पृष्ठ चतुष्ट रसो मुख्यतः अनुकार्ये रामादवे बहुति मतमिदम कसा हैट लोलट से शकुक भट्टनायक और अभिनवगुप्त से तो ये किसका कथन है मत किसका है भट लोलट जी का पहला ऑप्शन सही है हमारा लिहि तुमुन योगेन पदम लेढ़ुम लोहितुम लेहितुम तो लिहि में अगर तुम उन जोड़ते हैं तो लेढ़ुम रूप बनता है हमारा तो यहाँ पर दूसरा सी हो जाएगा लेढ़ुम सभी नदियों को नमस्कार करता हूं वाक्य से समुचित तह संस्कृत अनुवाद अस्थि सर्वाभ्य नदीभ्य नमह सर्वाह नदी नमस्करोमी सर्वाह नद्य नमामि सर्वाम नदीम नमामि तो यहाँ पर सभी नदी को नमस्कार करता हूँ क्या हुआ सर्वा नदी नमस्करोमी तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सरवाह नदी ऑप्शनों में सेम उसी अर्थ अस्थि सरित शेम बुद्धि और धृति देखो तो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है सेम उसी आपको पता कक्षा नौ और दस की पाठ्य पुस्तक है तो उसका ही अर्थ पूछा गया है तो उसका अर्थ क्या है वैसे सेम उसी का तो वो है बुद्धि ये कक्षा में भी काम आने वाला है क्योंकि सेम उसी जो है कॉमन सा प्रश्न बना हुआ है तो किसी मुसी का अर्थ क्या होता है तो उसका अर्थ होता है बुद्धि छिद धातो कत कत प्रत्यय सत्य किम रूपम से आत छिदित है छिद है छिद है, है और छिन्न है तो ये तो पता है छिद धातु में अगर हम कत प्रत्यय जोड़ दें तो छिन्न है रूप बनता है चौथा ऑप्शन से हो जाएगा हमारा छिन्न है कस्य व्यवधाने सती नकार नकारो न भवती किसका व्यवधान होने पर नकार कोणाकार नहीं होता है कैवर्ग से चवर्गस् या अटवर्ण तो व्यवधान होने पर नकार कोणाकार नहीं होता है क्षिणक्षण शशि भूयो भूयो भी सत्यम विरम प्रसिद्ध सुंदर यातम तो को अलंकार है आक्षेप है अपहनोति व्यतिरेक है और विरोध है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार है व्यतिरेक है और साथियों जो ये पेपर हैं आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम का लिंक भी आपको मिल जाएगा और इंस्टा पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं एम डोट एल को करके वहाँ पर आई है तो आप इन पब्लिक उस पर जो भी हमें प्लेटफॉर्म है उन पर सोशल प्लेटफॉर्म पर फॉलो करके जो भी अपडेट्स है एजुकेशनल कई बार देखो छोटे छोटे कई पॉइंट्स होते हैं जैसे अभी नेट के फॉर्म के लिए कहीं साथियों क्वेश्चन आ रहे थे बार बार कहीं वो तो डेट चली गई उसके बाद पूछ रहे हैं कि नेट का फॉर्म कब हुआ या कब होगा एग्ज़ाम कब फॉर्म आएंगे तो साथियों उस रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम या इंस्टा या व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो कर सकते हैं जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहे आप जहाँ पर भी हैं वहीं आप हमें फ़ॉलो कर लें अगर आप इंस्टा पर हैं तो इंस्टा पर हमें फ़ॉलो कर लें एम डॉट एल कोशिक नाम से आईडी है मेरी उसके अलावा अगर टेलीग्राम पर हैं तो मराल एल कोशिक एट द रेट ऑफिशियल है और अगर आप व्हाट्सएप पर हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जो चैनल है वो आजकल आपको पता है व्हाट्सएप पर भी चैनल का ऑप्शन आ चुका है जिसमें आपको नंबर शेयरिंग वगैरह कोई ऑप्शन नहीं होता तो कोशिका ऑनलाइन क्लासेस करके चैनल है वो भी आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं लिंक आपको इन सबके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे सेव धातु लंग लकारे प्रथम पुरुष एक वचने रूपम ए सव्यत असेव्यत एसेवेत अवत तो वहाँ पर क्या हुआ अ सेवत यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सू जाएगा ग्रह धातु कत प्रतिशत किम रूपम गृहितम 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 ग्रह धातु में अगर कत प्रत्यय लगाते हैं हम तो कौन सा रूप बनता है गृहितम बनता है तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन सही है गृहितम वारी शब्दस्य रूपेशु असंगतम विकल्पम चिनुत वारी शब्दस्य रूपेशु इनमें हमें देखना है कि कौन सा इनमें से असंगत है द्वितीय बहुवचने वारिणी प्रथम बहुवचने वारिणी सप्तमें एक वचने वारिणे षी एक वचने वारिण है तो यहां पर सप्तमी एक वचन का ये असंगत है तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही है बाकी सब सही है उदिते कमलम विकसति उचित पदेन रिक्त स्थानम पूरीयत सविते सवित्री सवित्रे सवितायाम वैसे हम इसको कोमे से उदित सूर्य कमलम विकसती लेकिन यहां पर हमें सवित्रे 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 तो यहां पर हमारा कौन सा होगा सवित्री दूसरा उदित सवित्री कमलम विकसती अव्य पदम विकार प्राप्त विभक्तिषु वचनेशु लिंगेश लिंगेशु न कहां पर विकार को प्राप्त होते हैं कहीं पर भी नहीं तो यहाँ पर हमारा चौथा ऑप्शन हो जाएगा सेतुम बिन, तो बिन यहाँ पर क्या है अधिरोढ़ुम हंतुम निर्मातुम इन सब में क्या है और यहाँ पर प्रत्यय है लेकिन यहाँ पर क्या है इसमें सेतुम इसमें कुछ नहीं है तो यह भिन्न वर्ग है यहां पर तीसरा ठीक है से दस कुमार चरितें संबंधम नास्ति राजवाहन चरितम विश्रु चरितम चरितम कुसुमोदभा चरितम दस कुमार चरितें संबंधम नास्ति तो वह है कुसुमोद भाव चरितम चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही था न कांतम निर्भूषण विभाति वनिताननम उक्ति ये वामन से जयदेव से कुंतक भामह से न कांतम निर्भूषण विभाति वनितावनम वनिताननम ये किसकी उक्ति है तो ये है भाम है की तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा वामह आर्याछंद सह सदर्भ से मुचित कथनमस्ती प्रथम चरण चतुर्दश मत्र बवती तृतीयचरण अठादशमात्र चतुर्थचरण पंचदस पंचदश मात्रा द्वित द्वितीय च चं गणना आर्या छंद के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तो कौन सा यहाँ पर चौथे चरण में पंद्रह मात्राएं होती हैं तो कौन सा है तीसरा ये ऑप्शन हमारा सही है तीसरा काल क्रमानुसारम एसु कैश सौर प्रथम आशित भट मथुरा शास्त्री पंडित पद्म शास्त्री डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री और देवर्षि कलानाथ शास्त्री देखो साथियों इन सभी की आप रचनाएं देख लें अच्छे से क्योंकि पंडित कलानाथ जो देवर्षि कलानाथ शास्त्री हैं इनके बारे में 2021 और 22 में ही क्वेश्चन आ चुके हैं तो इनकी रचनाएं अच्छे से देख लें और यहाँ पर कालक्रम पूछा गया है तो सबसे पहले यहाँ पर इनमें से कौन थे तो वो थे भट्ट मथुरा शास्त्री तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है भट्ट मथुरा शास्त्री अरुणी श्वेत केतु संवाद है कश्याम उपनिषदि वर्तते जो अरुणी श्वेत केतु संवाद है वो किस उपनिषद में है प्रश्नोपनिषदि तैत्रोपनिषदि छांदोग्योपनिषदि और मैत्रान्योपनिषदि तो किसमें है वो छांदोग्योपनिषदि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है हमारा छांदोग्य उपनिषद में संस्कृत साहित्य विदूषक रहितम नाटकम वर्तते संस्कृत साहित्य में विदूषक रहित नाटक है मुद्रा राक्षसम मालती माधव मालविकाग्निमित्रम अभिजान शाकुंतलम तो कौन सा विदूषक से रहित वो है मुद्रा राक्षस इसमें विदूषक नहीं है तो पहला से ये यहाँ पर हमारा मुद्रा राक्षसम ये सुर्वधातुक प्रत्यो वर्तते तबियत तुमुन कत्वा और सानज कौन सा सारा धातु प्रत्यय होता है यहां पर तो वो होता है सानच प्रत्यय तो चौथा ऑप्शन यहां पर से सानच प्रत्यय आस धातो सानची पुंसी रूपम सियात आसन है आसमान है आसान है आसीन है आस धातो सानची तो वो क्या हुआ आसीन है तो यहां पर चौथा ऑप्शन आसीन है वृक भीति ही इतर समास है तृतीय तत्पुरुष है पंचमी तत्पुरुष है षष्ठी तत्पुरुष है और चतुर्थी तत्पुरुष है वृक भय पंचमी तो यहाँ पर हमारा कौन सा है दूसरा ऑप्शन सही होगा। तो हम आवा महिमा च मंदिरम गच्छेम गच्छेयु गच्छेत गच्छेव। त्वाम आवाम महिमा च मंदर गच्छेम तो यहाँ पर पहला शिवका हमारा शिशु अव्यपदानी संति अति एकम द्वे एक नास्ति शिशु उपगंगम उषित तो यहाँ पर आपको पता है जो अविभाव समास है उसका अव्यय पद के रूप में प्रयोग होता है तो यहां पर हमारा ऑप्शन जो तो दूसरा यहां पर ऑप्शन हो जाएगा इस धातो लोट लकार से प्रथम पुरुष वचने किम रूपम इच्छतु इच्छतु ऐच्छतु इच्छन्तु तो क्या होता है इच्छतु राधास्थाल्याम तंडुलोदनम पश्ती इत्यत्र केन सूत्रेण सिद्ध थी यस्यच अधिकरणें यश भावेन भाव लक्षण ष्ठीचान और भूवै प्रभु और साथियों आपको जैसा हमने बताया कि अभी दो हज़ार बाईस लेवल थ्री का पेपर आएगा जल्दी आपके लिए हम प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी सारे पेपर आपके लिए अपलोड कर दें और फिर आपके लिए सिलेबस की वीडियो लेकर आएँ कि आपको कैसे देखो सिलेबस तो आप पता ही है सभी को लेकिन कहाँ से कितनी तैयारी करनी है कैसे किस टॉपिक को कहाँ से पढ़ें उसके बारे में आपसे टोटल डिस्कशन करेंगे जल्दी उसके लिए भी आपको सूचित कर दिया जाएगा जो भी टेलीग्राम पर इंस्टा पर या व्हाट्सएप में आपको जब लाइव होंगे तो उसके जब जैसे अभी रविवार आ रहा है अगर रविवार समय होता है तो रविवार ही हम सभी लाइव हो क्योंकि सभी के पास समय होता है तो जो भी चीज़ साथी के डाउट है कई बार देखो उसमें अभी कईयों के प्रश्न आ रहे हैं उसका कई बार हम भी नहीं जवाब दे पाते एक एक प्रश्न का तो उन सभी प्रश्नों को लेने के लिए ही लाइव सेशन करेंगे जैसा हम आज तक करते आए हैं कि जैसे भी जो डी एस एस बी यू जी सी नेट जो भी एग्ज़ाम हुए हैं एच है, है, एस सी एच पी एस सी तो उनके लिए हमने लाइव सेशन किए ही हैं आप आप सभी के साथ में कि जो भी साथ डाउट्स होते हैं उनको हम लाइव आके सोल्व कर सकें तो ऐसा ही एक सेशन हम अभी इनके लिए भी करेंगे एस्टेट के लिए जल्दी ही उसका समय जो है आपको बता दिया जाएगा कि जैसे हमने पहले समय रखा था लेकिन उसमें अभी साथियों का थोड़ा सा रिस्पॉन्स क्योंकि लंबे टाइम बाद वीडियोज़ आती हैं तो कम है इसलिए उसको हम लाइव नहीं कर पाए अभी तो जल्दी उसको लाइव जरूर करेंगे एक बार तो यहां पर था हमारा राधा स्थल तंडोलोधनम पस्ती केन सुण सिद्ध थी सप्तम्यधिकरणें तो यहां पर पहला ऑप्शन हमारा सही था सप्तम्यधिकरण गीस प्रत्यांत है शब्दोंस्थी हसंती मालिनी किशोरी नर्तकी तो इनमें से गीस प्रत्यान शब्द कौन सा है नर्तकी है यहां पर चौथा ऑप्शन सही है नर्तकी गुरु से धन स्वीकार करो इत्या वाक्य से संस्कृत अनुवाद है गुरुणा स्वीकरोतु गुरुम धनम स्वीकरोतु स्वीको गुरोधन स्वीको गुरो धन स्वीकोत तो यहां पर कौन सा हुआ गुरोधनम स्वीकरोतु तीसरा ऑप्शन सही है हमारा गुरोधन स्वीकरोतु समुचतम विकल्पम चिन्होत ईसत स्पृष्टम यण ईसद विवृतम अच विवृतम शल स्पृष्टम झल तो इनमें एक ही सही है वो कौन सा है ईसद सपृष्टम यण तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है देखो टीजीटी के पेपर में ज्यादातर प्रश्न जो है वो एक समुचित विकल्प से चुना जाता है और उसमें जो पीजीटी में समुचित विकल्पम नास्ति कुछ इससे ज़्यादा प्रश्न होते हैं फिर मिलान के ज़्यादा प्रश्न होते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों पेपरों में तो आप जिस भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी अपनाएं उसके लिए ही हम डिस्कस करेंगे कि अगर आपको लेवल टू आपके लिए जरूरी है या लेवल थ्री आपके लिए जरूरी आप किस में क्लियर करना चाहते हो तो उसके बारे में टोटल डिस्कशन और इसका जो जनरल पार्ट है उसके लिए भी जल्दी ही वीडियो लेकर आएंगे जैसे हरियाणा जीके का पार्ट है रीजनिंग का मैथ्स का कि वो सब क्राइटेरिया आप कहाँ से तैयार क्योंकि छोटे छोटे से पार्ट है कहीं ना कहीं हम ये भी सोचते हैं कि वो हम तैयारी में ज़्यादा समय ना न गवाएं लेकिन कहीं ना कहीं एक एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ज़्यादातर साथियों का जो एस्टेट ये पेपर हैं वो कहीं ना कहीं अस्सी से नब्बे के क्राइटेरिया में इसमें ज़्यादा रह अटक जाते हैं तो उसको हमें कैसे क्रैक करना है उस क्राइटेरिया को कैसे हमें पार करना है तो उस स्ट्रेज के बारे में हम आपसे बात करेंगे धिक अव्य अर्थ नास्ति अस्ति भर्सनम शंका किंचित अल्प है धिक यहाँ पर जो अव्यय है उसका अर्थ है भर्सनम तो यहाँ पर हमारा धिक दुष्टम होता है तो यहाँ पर भर्सनम पहला ही हमारा हो जाएगा सही क्रोधाद भवति दिक्क स्थानम पूरी तो स्नेह है प्रेम है संतोष है है तो क्या होता है क्रोध से ध्याय तो विषयान पुंस है संगस्ते सुपजायते संगात संजायते काम कामात क्रोधो भी जाये थे क्रोधात भवती है सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृति भ्रषात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति तो ये है इसमें क्रोधात भौति तो जैसे अगर पूरा ये बता दिया हमने आपको कि ध्याय तो विष्यान पुंस है संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो बिजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम है स्मृति भ्रसात बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात प्रणश्यति तो साथियों ये 150 क्वेश्चन हमारे हुए क्या से एक सौ पचास साठ परसेंट हमारे संस्कृति हमने कवर किए हैं ये लेवल टू का हमारा पेपर था एस्टेट का इसके बाद लेवल थ्री की वीडियो जल्दी ही आ रही है और जल्दी ही एक लाइव सेशन करेंगे और इन सब की अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं जो साथी चैनल पर नए हैं कई साथी देखो चैनल पर वीडियो कंटिन्यू देखते हैं लगभग लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं पता नहीं इसका क्या कारण होता है कि वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं साथी लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो साथियों आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करें अगर अच्छी नहीं लग रही है तो डिसलाइक कर दें वो कोई समस्या नहीं है किसी प्रकार की जिससे कि हमें फीडबैक मिले जैसा हम आपसे शुरू से कहते आते हैं कि अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक करो अगर अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक करें लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करें जिससे कि आपका फीडबैक हमारे तक आ सके धन्यवाद तो साथियों अपनी तैयारी करते रहें स्वस्थ रहें सुरक्षित रहें